हाय गाइस, दिस इज विनय विराट, वेलकम टू चरणमंगल। आज मैं आपको बताता हूँ आपके परिवार के हर एक व्यक्ति कैसे आपके ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने में, फेवरेबल करने में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चरणमंगल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आपको नोटिफाइड हो सके। एक एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे बड़े बिलियनियर या एशिया के सबसे बड़े बिलियनियर, वो पेट्रोलियम सेक्टर में है, वो टेक्सटाइल सेक्टर में है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, वो मोबाइल सेक्टर में है, वो रिटेल सेक्टर में है। ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसके अंदर वो नहीं है। अगर आप मुकेश अंबानी की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में बुध ग्रह और शनि ग्रह, दो ग्रह मजबूत है, लेकिन वो तो हर ग्रह की लाइन में सक्सेसफुल है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम पंडित के पास जाते हैं, पंडित आपको कहता है आपका ये वाला ग्रह स्ट्रांग नहीं है तो आप इस का बिजनेस मत कीजिए वरना आपको नुकसान होगा, तो क्या मुकेश अंबानी की कुंडली के अंदर सारे के सारे ग्रह स्ट्रांग है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर कैसे वो हर सेक्टर में सक्सेसफुल होते हैं, इस रहस्य को जानिए। जब आप किसी एमबीए को हायर करते हैं तो उसका बुध ग्रह स्ट्रांग होगा तभी वो एमबीए बना। तो जब आप किसी एमबीए को कोई हायर करके उसको काम संभालते हैं, उसको काम हैंड ओवर करते हैं, तो बुध ग्रह आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। जब आप किसी सीए को हायर करते हैं और उसको काम हैंड ओवर करते हैं तब आपका शुक्र ग्रह ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाता है। जब आप किसी सुपरवाइजर को, अच्छे सुपरवाइजर को हायर करते हैं तब आपका शनि ग्रह ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होकर काम करता है। तो मुकेश अंबानी का बुध ग्रह जो उनको इन्वेस्टर बनाता है, वो हर फील्ड के अंदर टेक ओवर करते हैं या कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस चीज के ऑफिशियल्स को हायर करते हैं, टॉप ऑफिशियल्स को। जैसे एमबीए से आपका बुध स्ट्रांग हो गया, सीए से आपका शुक्र स्ट्रांग हो गया, अच्छा सुपरवाइजर जो टेक्निकल सुपरवाइजर है उससे आपका शनि स्ट्रांग हो गया। तो इस चीज को समझिए, हर ग्रह को बैलेंस कर देते हैं। अब ये तो हुई मुकेश अंबानी की बात, अब आते हैं अपने परिवार के। ज्योतिष कहता है आपके परिवार का हर व्यक्ति एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका फादर सूर्य से जुड़े हुए हैं, आपकी मदर चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, आपका भाई और आपके अंकल जो पापा के भाई है वो मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं, आपकी बुआ और आपकी सिस्टर ये जुड़े हुए हैं बुध ग्रह से, आपके गुरुजी या जिसे आपके इष्ट देवता कुल देवी जिसे आप गुरु रूप में मानते हैं वो जुड़े हुए हैं बृहस्पति ग्रह से, आपका शुक्र यानी कि आपके लाइफ पार्टनर वो जुड़े हुए हैं शुक्र से, शनि जो व्रत लोग घर के अंदर है जो आपके दादा दादी वो जुड़े हुए हैं शनि ग्रह से, राहु जो अतिथि आपके यहाँ आते हैं वो जुड़े हुए हैं राहु ग्रह से, और जो ज्ञानी वो जुड़े हुए हैं केतु ग्रह से। अब होता क्या है इसे ऐसे समझिए, आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन है वो तो आपको फल देती है, लेकिन अब यहाँ पे आप अपने पिता को आदर नहीं करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनकी आज्ञा पालन नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है, तो आपका कुंडली का सूर्य भी दूषित होने लगता है। इसे ऐसे समझे जैसे एक पिता है उसकी अपने, जैसे एक बच्चा है उसकी अपने पिता से नहीं बनती है, वो अपने पिता से अलग हो गया, अलग होते ही उसका सूर्य वीक हो जाएगा। जब आप अपने माता से अलग होते हैं तो उसी समय आपका चंद्रमा वीक हो जाता है। ये नियम तब भी लागू होता है जब आपको कोई छूट के एक्सपायर हो जाता है, जैसे आपके पिता एक्सपायर हो गए तो उसी समय आपका सूर्य कुंडली में वीक हो जाएगा, आपकी माता एक्सपायर हुई तो आपका चंद्रमा वीक हो जाएगा। अब ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि कई बार कई लोग अपने भाई के अंकल से अलग होते हैं, वो अलग तो होते हैं फिर वो सोचते हैं कि हम मुश्किल में क्यों आ गए, वो मुश्किल में इसलिए आए क्योंकि आपका जो मंगल ग्रह था वो कुंडली में वीक था, लेकिन क्योंकि आप भाइयों के साथ में अंकल के साथ में रह रहे थे तो वो उस मंगल को सपोर्ट कर रहे थे। अब जैसे ही आपने अंकल से या भाई से अलग हुए तो आपका जो वीक मंगल है उसने आपको एकदम लाचारी पर खड़ा कर दिया। जो मैंने मुकेश अंबानी का एग्जांपल दिया उसे ऐसे समझे कि उसकी कुंडली में कोई ग्रह वीक भी है तो वो पर्टिकुलर उस स्पेशलिस्ट को लाकर अपने उस ग्रह को मजबूत कर देते हैं। लेकिन आपके परिवार में जब आपसे कोई अनबन है जिससे आपकी नहीं बनती है, या आप उनसे अलग हो जाते हैं, या
वो एक्सपायर हो जाते हैं। अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में स्ट्रांग हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में वीक हुआ तो समझ लीजिए आप जैसे ही उनसे अलग होंगे, जैसे ही आप उनसे डिसएसोसिएट होंगे, उसी समय वो वीक ग्रह आपको निराश कर देगा। ये गहरा सत्य है, शायद ही कोई एस्ट्रोलॉजर ये बता पाता होगा कि भी आपके परिवार वाले लोग कितने इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे पास एक केस आया, एक बंदा था जो कह रहा था कि मुझे मेरे अंकल से अलग होना है क्योंकि वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। 100 शिकायतें थी उसके पास, उसकी कुंडली में मंगल नीच का था। अब जैसे ही वो अलग हुआ वो एक डिप्रेशन की स्थिति में चला गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी कुंडली में जो नीच का मंगल था उसे उसके अंकल रोक कर बैठे थे। उसके मंगल की वजह से वो ग्रह स्ट्रांग हुआ था, लेकिन जैसे ही वो अपने अंकल से डिसएसोसिएट हुआ वो नीच का मंगल अपना उदय देना शुरू हो गया। तो मित्रों, हम नहीं समझ पाते हैं कि कई बार जॉइंट फैमिली या जॉइंट बिजनेस के अंदर कब कौन सा ग्रह काम करता है, लेकिन ये तो यकीनन है कि अगर आपके फादर का आशीर्वाद आपके साथ है तो आपका सूर्य स्ट्रांग है, आपका मदर का आशीर्वाद आपके साथ है तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। मैं हैदराबाद गया था, वहां पे मेरे को एक कुंडली दिखाई गई। उस कुंडली में व्यक्ति का चंद्रमा उच्च का था, लेकिन अब वो व्यक्ति काफी तकलीफों में था पिछले 10 सालों से। मैंने उसको एक ही चीज कही, जब तक आपकी मदर आपके साथ थी आपके सारे सितारे अच्छा फल दे रहे थे, जैसे ही वो आपसे दूर हुई होगी आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा हां, मेरी मदर को एक्सपायर हुए 10 साल हो गए। तो मैंने कहा टाइम नोट कर लीजिए, आपका डाउनफॉल उसी समय शुरू हो गया। उनको यह बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी, लेकिन यह सत्य था, क्योंकि कुंडली का जो उच्च का चंद्रमा था वो ये बता रहा था कि आपको आपके मदर के थ्रू काफी सारे पुण्य मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मदर एक्सपायर हुए वो आदमी एकदम लाचारी के मोड़ पे चला गया। उसने 10 वास्तु वालों को बुलाया होगा, 20 ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाई होगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। अब यहां पर मैंने उनको एक ही चीज कही, अपने मदर की तस्वीर लगाई है, रोज उनको धन्यवाद दीजिए, बस इतना आप करिए, क्योंकि जब तक आपका एसोसिएशन रहेगा तब तक आपको वो ग्रह अच्छा फल देगा। तो मित्रों, कई बार आप नहीं समझ पाते हो, आप छोटे छोटे स्वार्थ में अपने भाइयों से अलग हो जाते हो, अपने अंकल से अलग हो जाते हो, कई बार आप अपने पिता से अलग हो जाते हो, अपनी माता से अलग हो जाते हो। अलग होना कोई बात बड़ी बात नहीं, आप उनसे अलग हुए इट्स ओके, लेकिन डिसएसोसिएट मत हो, उनसे रिश्ता मत तोड़ो, उनसे अनबन मत करो, क्योंकि जैसे ही आप करते हो उसी समय आप नहीं समझ पाओगे कि आप किन मुश्किलों में गिर गए। धन्यवाद।